तो गाइस यार, मुझे पता है आप लोग भी यही सोच रहे होगे कि काश मेरा भी हेडशॉट और गेम प्ले ऐसा हो जाता। बट भाई, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका सेटिंग ही सही नहीं है तो आप लोग कैसे हेडशॉट लगा पाओगे या फिर कैसे ऐसे गेम प्ले कर पाओगे। बट गाइस, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका भाई बैठा है ना इधर। तो आज की वीडियो में आप लोगों को प्रो प्लेयर्स के यूज करे जाने वाले टॉप सीक्रेट प्रो सेटिंग्स को रिवील करने वाला हूं, जिसको आप लोग सेट करने के बाद आप भी बोलोगे कि भाई हां, अब मैं प्रो प्लेयर्स बन चुका हूँ। बसरते गाइस आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो चलो गाइस, जान लेते हैं सारे सीक्रेट सेटिंग को डिटेल्स में। बट उससे पहले इस सब के पीछे आप लोगों से एक ही चीज मांगता हूँ, वो है एक लाइक। प्लीज गाइस, एक लाइक कर ही देना, ठीक है। तो चलो जान लेते हैं सारे सीक्रेट सेटिंग को। तो गाइस यार, सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है कंट्रोल पर। कंट्रोल पे आने के बाद गाइस, हमारा जो पहला सेटिंग है वो है लेफ्ट फायर बटन। लेफ्ट फायर बटन अगर ऑलवेज पे आप लोग सेट नहीं कर रहे हो तो आप लोग कर लेना है ऑलवेज पे। अब लेफ्ट फायर बटन का काम मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको सेट कर लेना है कस्टम एचओडी पर अच्छे से। उसके बाद देखो, यहां पर मैं जब राइट फायर बटन से ग्लू वॉल लगा रहा हूं तो कितना स्लोली से लग रहा है, लेकिन इसी को जब मैं लेफ्ट फायर बटन से लगाऊंगा तो ये कितना स्पीड से लगेगा, ठीक है। तो यही होता है गाइस फायदा लेफ्ट फायर बटन यूज करने का। तो गाइस यार, इसके बाद आना है आपको होल्ड फायर टू स्कोप में। होल्ड फायर टू स्कोप आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको ऑफ करना चाहिए या ऑन करना चाहिए ध्यान से आप लोग समझ जाओ। यहां पर ऑन है तो यहां पर देखो, मैं फायर बटन को जब क्लिक कर रहा हूं स्नाइपर के साथ तो स्कोप आ जा रहा है, ठीक है। स्कोप आने के बाद हम लोग एम करते हैं। एम करने के बाद जब हम फायर बटन को छोड़ते हैं तो फायर होता है। ये तो हो गई पहली। दूसरी चीज, जब हम इसको ऑफ कर लेंगे तो क्या होगा कि जब हम फायर बटन को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फायर हो जाएगा। इससे भाई आप लोग डबल एडुलम फास्टी तरीके से चला सकते हो। ओके, इसके लिए क्या करना होगा, स्कोप इस तरीके से करना होगा और लेफ्ट फायर बटन से आप लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। अब गाइस, हेडशॉट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग में से एक है क्विक अपन स्विच। अगर आप लोग इसको अभी तक इनेबल नहीं करा, यानी कि ऑन नहीं करा, तो कर लेना। ऑन करने के बाद आप लोग क्या करना है, क्विक अपन स्विच के बाद भाई आप लोग को कस्टम एचओडी पर चलना है और यहां पर भाई आप लोग को सेट करना है क्विक अपन स्विच को अच्छे तरीके से, जैसे मैं अभी सेट करा हुआ हूं फास्टली तरीके से क्लिक करने के लिए क्विक अपन स्विच एंड रन बटन। ओके, उसके बाद भाई इसका फायदा मैं आपको बता देता हूं। कोई भी बंदा जो क्विक अपन से यूज नहीं करता, वो क्या करता है कि गन बॉक्स से स्विच करता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है, सिंपली तरीके से गन बॉक्स से स्विच करता है। बट भाई, जब आप क्विक अपन स्विच करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप भाई मूवमेंट के साथ भाई अचानक से भाई गन पकड़ना स्टार्ट करोगे, बहुत तगड़ी वाली मूवमेंट होगी। और साथ ही साथ भाई इस तरीके से फास्टली तरीके से स्विच करोगे बिना फायर बटन छोड़े, जो कि बहुत तगड़ा आपका गेम प्ले होने वाला है और हेडशॉट भी बहुत खतरनाक लगने वाला है। इसके बाद हमारा जो अगला सेटिंग है वो है गाइस ग्रेनेड स्लॉट। ग्रेनेड स्लॉट को आपको डबल स्लॉट पे सेट करना है, उसके बाद ही आपका परमानेंट ग्लू वॉल बटन ऑन होगा। अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पहले कर लेते हैं डबल स्लॉट। यहां पे देखो, परमानेंट ग्लू वॉल बटन ऑन हो चुका है। अब इसको सेट कैसे करना है, इसका फायदा क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, हैंडकैम के साथ यहाँ पे देखो, ग्रेनेड और बॉन फायर एक तरफ हो गया है और हमारा ग्लू वॉल बटन एक तरफ हो गया है, मतलब दो दो हो चुका है, ठीक है, डबल स्लॉट हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो ग्लू वॉल बटन है वो इधर उधर नहीं खिसकता, जिससे हम लोग फास्टली तरीके से ग्लू वॉल लगा पाएंगे। बट यहाँ पे ग्रेनेड और बॉन फायर खिसकता रहता है, ठीक है। तो यही दिक्कत होती है। अब जब हम इसको भाई, ये तो हो गया भाई डबल स्लॉट पे, डबल स्लॉट पे इस तरीके से हम लोग इजीली ग्लू वॉल लगाते हैं, लेकिन इसको हम जब सिंगल स्लॉट पे करेंगे, चलो हम लोग सिंगल स्लॉट कर लेते हैं। सिंगल स्लॉट हुआ, अब देखो एक ही जगह हो गया, ग्लू वॉल, ग्रेनेड, बॉनफायर सब एक ही जगह हो गया। इसमें क्या होता है, जब हम फास्टली तरीके से खेलते रहते हैं गेम प्रेशर में, तो हम लोग क्या होता है कि भाई कभी कभी ग्लू वॉल के जगह भाई ग्रेनेड पे चला जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए भाई ये जरूरी है। अब गाइस आपको आ जाना है रन मोड पे। रन मोड पे आने के बाद भाई यहाँ पर क्लासिक पर आप लोग को रखना है, ठीक है। बट हम लोग तीनों को देख लेते हैं, जो आपको पसंद आए वो रख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्लासिक कर लेते हैं, ठीक है, क्लासिक रखें। उसके बाद देखो, यहाँ पर जॉयस्टिक पर कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ रन वाला जो बटन होता है वो ही काम करेगा, जब रन करना होगा रन वाला बटन को क्लिक करना होता है। लेकिन भाई ड्रैग और मिक्स में अलग होता है, हम लोग पहले अभी ड्रैग करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ड्रैग पर सेट करें, अब गाइस वो रन वाला ऑप्शन ही गायब हो गया, ठीक है, रन वाला बटन ही गायब हो गया। अब गाइस जॉयस्टिक को स्वाइप करोगे ऊपर की ओर ना, तब आपका रन करेगा, जैसे आपका बीजीएमआई पे होता है, ठीक है। अब ये हो गया ड्रैग पर, अब मिक्स्ड पर करके देखते हैं। मिक्स्ड पर करने पर यहाँ पर देखो, रन वाला ऑप्शन भी होगा और जॉयस्टिक पर स्वाइप करने वाला भी होगा, इसलिए भाई यहाँ पर दिक्कत होती है, इसलिए क्लासिक पर रखा करो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेटिंग है ऑटो पिकअप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ध्यान से आप लोग सुन लो, ठीक है। यहाँ पर भाई सारा कुछ दिख रहा होगा, वेपन, आर्मर, बैकपैक, मेडिकिट। इसके बाद भाई साइड में प्रायोरिटी होगा, ठीक है, प्रायोरिटी को क्लिक करना है। उसके बाद भाई यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, जैसे रैंक खेलते रहते हो तो एमओ ज्यादा पकड़ा जाता है, तो आप लोग बैक खोल के
उसको फेंकते रहते हो एक एक करके, तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। यहाँ पर एमओ में एआर एमओ एसएमजी सारा कुछ है, यहाँ पर सेट करना है आपको। जैसे यहाँ पर 120 लिखा हुआ रहा है, ठीक है 120 मैं सेट कर रहा हूँ, तो मेरा जो एआर एमओ 120 ही लेगा, ठीक है। कहीं पर जैसे लूट करा तो 120 पकड़ेगा, उसके ज़्यादा लेगा ही नहीं, ठीक है। ये इसलिए भाई बहुत तगड़ा वाला सेटिंग है, इसको आप लोग कर लेना, इससे भाई आपका टाइम भी बचता है और आप इजीली बहुत तगड़ा गेम प्ले भी कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेडिकिट भी होता है, मेडिकिट भी 5 से ज़्यादा पकड़ लेता है, तो यहाँ पर मैं 5 सेट करके रखा हूँ, इसलिए भाई जब 5 से एक्स्ट्रा पकड़ेगा ही नहीं और 5 से कम भी नहीं पकड़ेगा, जिससे हमारा गेम प्ले पे अच्छा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा और हम लोग को भाई टाइम नहीं लगेगा कि बैग खोल के फिर फेंको, ज़्यादा हो गया मेडिकिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप ये भी सेटिंग आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सेटिंग की और बेस्ट सेटिंग। अब गाइस डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पर एक ही सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, वो है गाइस हाई एफपीएस। अगर आपका मोबाइल कैपेबल है तो आप लोग भाई हाई ही रखो, ठीक है। 60 एफपीएस में आप लोग सुपर स्मूथ गेम प्ले खेल सकते हो। अगर नॉर्मल रखना चाहोगे, अगर आपका मोबाइल कैपेबल नहीं है तो आप लोग नॉर्मल रखो, जिससे भाई 30 एफपीएस में खेल पाओगे, भले थोड़ा स्मूथ नहीं चल पाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये भी सेटिंग समझ गए होंगे। अब गाइस आपको आ जाना है साउंड पर। साउंड पर आने के बाद गाइस यहाँ पर ऑडियो बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑडियो बैलेंस पर आपको मैनुअल पर रखना है। ऑटोमेटिक पर अगर रखते हो तो आपका क्या होगा, जब आप वॉइस पर बात कर रहे हो मान के चलो रैंक मैच पर, तो गेम का साउंड कम हो जाएगा। जैसे बात करते रहोगे गेम का साउंड कम होता है, बढ़ेगा कम होगा, ऐसा होगा, ठीक है। जब आप मैनुअल पर रखोगे तो आपका गेम का साउंड भी उतना ही आएगा, आपका वॉइस का साउंड भी उतना ही आएगा। अब उसके नीचे भाई आपको दिख रहा होगा एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड, ये बहुत बेस्ट सेटिंग में से एक है, ठीक है। अगर इसको ऑन करते हो तो आपका क्या होगा, जैसे आप लॉबी पर किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, मान के चलो अगर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करा तो आप होम बटन क्लिक करके इंस्टाग्राम पे चले गए, तब भी आप बैकग्राउंड पे उस लॉबी वाले बंदे से बात करते रहोगे, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट मतलब सेटिंग में से एक है, तो आप लोग ऑन कर सकते हो। उसके बाद आना है यहाँ पर वाइब्रेशन, ये भाई मेरे को बहुत हंसी आती है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ऑन करोगे ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे साउंड विजुअलाइजेशन वाइब्रेशन है ना, इसको जैसे MP40 चलाए, जैसे सर से आवाज आया MP40, उसी टाइप से आपका मोबाइल भी वाइब्रेट करेगा, झन झन झन, इतना हंसी आता है, जैसे पकड़े रहोगे ना हाथ जैसे हिल रहा है ऐसा टाइप लगता है, बहुत हंसी आती है भाई, एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। उसके बाद भाई उसके नीचे आएगा नेटवर्क, ये भाई बेस्ट सेटिंग में से एक है ये भी, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हो किसी के डाटा से और अपना डाटा भी ऑन कर रहे हो, दोनों है, तो भाई इसको ऑन कर सकते हो। अगर दोनों से आप लोग डाटा लेते हो और ऑन करते हो तो आपका जो है जो नेटवर्क है बहुत तगड़ा चलने वाला है, पिंग बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, तो आप लोग ऑन कर सकते हो। आई होप गाइस यहाँ पर जितनी भी सेटिंग बताई सारी कुछ समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और हाँ सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके और सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।